स्टूडेंट वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या मेजर्स लिए गए। एक्चुअल में प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, दैट वाज द गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान। अब गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान में अगर आपको याद हो इसे तो अगर आपने नहीं देखी तो सी माई प्रीवियस वीडियो जहाँ हमने गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान की बात करी थी। और गोल में सबसे पहले हमारा जो एक मेन गोल था फाइव ईयर प्लानिंग के पीछे, वो था ग्रोथ को अचीव करना। अब एक्चुअल में हम जब बात करते हैं कि ग्रोथ या हम सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी की, सबसे पहले ग्रोथ वाला आस्पेक्ट को एक वी कैन से मेन फोकस दिया गया था, या मेन हमें सबसे ज़रूरत थी कि हम ग्रोथ इंश्योर करें, बिकॉज हमारी इकॉनमी एक स्टैग्नेंट इकॉनमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था, ग्रोथ जनरली स्टार्ट करनी थी। तो इसीलिए, और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडिंग सेक्टर था हमारी इकॉनमी का अब इंडिपेंडेंस लेकर और अब तक भी क्या है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो ये ज़रूरत थी कि सबसे पहले जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड है, सबसे पहले उस सेक्टर के अंदर हमें क्या करनी है, ग्रोथ इंश्योर करनी है। ठीक है, तो उसी सेक्टर के अंदर ग्रोथ को इंश्योर करने के रिगार्डिंग क्या क्या मेजर्स लिए गए, इसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बना था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ही कंसर्न में था। और आपके लिए ये सवाल है जो आपको कमेंट करके इसका आंसर करना है कि बताइए जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन क्या थी, मतलब किस ईयर से लेकर किस ईयर तक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान शुरू हुआ था और चला था। ओके, सो मेजर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ इंश्योर करने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने जो मेजर लिए उसमें से एक कॉन्सेप्ट है कि लैंड रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये ज़रूरी था कि जिस स्टेट में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था और जो बहुत ज़्यादा आवेगन से स्टेगनेंट पोजिशन में जा चुका था, उसकी ग्रोथ हमें इंश्योर करने के लिए जो ज़मीन से जुड़े कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चल रहे थे उनमें बदलाव की ज़रूरत थी। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, मतलब एक टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी चाहिए था, बिकॉज टेक्निकल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सो पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट लैंड रिफॉर्म्स की। अब लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि लैंड से रिलेटेड पहले जो कॉन्सेप्ट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जहाँ जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम चलता था, जिसमें जमींदारी सिस्टम बहुत कॉमन था जो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चला भी। तो एक्चुअल में तो हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन से जुड़े हुए इशूज़ थे उनको चेंज करा गया। तो लैंड रिफॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लैंड रिफॉर्म क्या है, अगर सिर्फ हम लैंड रिफॉर्म को ही डिफाइन करें स्टूडेंट, तो लैंड रिफॉर्म क्या है, सो इट रेफर्स टू द चेंज इन द फॉर्म ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जो भी लैंड होल्डिंग्स की फॉर्म थी, जो भी फॉर्म चल रही थी, जो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चल रहा था लैंड होल्डिंग्स का, इसको बदलने से कंसर्न है हमारा लैंड रिफॉर्म। लैंड होल्डिंग का पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि जमींदारी सिस्टम जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चली, जहाँ पर क्या होते थे कि ओनर्स ऑफ लैंड कोई और हैं, टिलर्स ऑफ सॉइल जो उस पर काम कर रहे हैं, जो वी कैन से कल्टिवेटर्स हैं, तो क्या करते थे जमींदार, उनके पास वो काफ़ी ज़मीनें हैं तो अपनी ज़मीन एक टाइप से रेंटल बेसिस पर दे दी, लगान काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में वसूला जाता था, मतलब एक्सपोर्टेशन होता था टिलर के साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बदलना चाहिए था, क्योंकि इससे फार्मर्स का एक्सपोर्टेशन बहुत ज़्यादा था और इसके अलावा इंटरमीडियरीज भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो लैंड रिफॉर्म में जो लैंड से जुड़े हुए इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना था, जो लैंड होल्डिंग्स की फॉर्म थी उसको बदलने से कंसर्न था। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें कि लैंड रिफॉर्म में कैसे इन कॉन्सेप्ट को बदला, तो हम बात कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या फर्दर स्टेप लिए गए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करा गया, क्या करा गया, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करा गया। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर क्या होता था कि ज़मींदार से उन्होंने अपनी लैंड रेंटल बेसिस पर दे दी, जिसमें मतलब एक हैवी रेंट की फॉर्म में लगान या टैक्स वसूला करते थे, तो एक्सपेक्टेशन हो रहा था टिलर्स ऑफ सॉइल के साथ। तो एक्चुअल में क्या है कि जनरली जो भी लोग हैं जो टिलर्स ऑफ सॉइल हैं, तो उनको क्या करना, जो ज़मींदारी सिस्टम है जो एक कस्टम चल रहा था उससे कहीं ना कहीं रिप्लेस करना था, उस चीज़ को ख़त्म करना था, एबोलिश करना था इकॉनमी से, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से।
तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टेप लिया गया लैंड रिफॉर्म्स की कैटेगरी के अंदर, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी, जो भी मिडिल मैन थे उनको भी जनरली क्या करा गया, रिप्लेस करा गया। क्योंकि इंटरमीडियरीज क्या कर रहे थे, हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे, क्योंकि इंटरमीडियरी जो भी फार्मर्स थे उनसे कोई भी क्रॉप जनरली परचेस कर लेते थे बहुत ही चीप रेट्स पर और उनको मार्केट में बेचते थे काफ़ी अच्छे प्राइसेस पर। तो जिनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करके जो भी फसल है उसको तैयार करते हैं, तो उन लोगों को अपना डिजर्विंग अमाउंट नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरी, क्योंकि इंटरमीडियरी थे जो बीच में, मतलब एक्चुअली क्या मिडिल मैन की तरीके से काम कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो इसीलिए जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें उनसे जुड़े लोगों को पहले डेवलप करना पड़ेगा, कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो जब बढ़ेगा ना, कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इंगेज हैं उनकी इनकम पोटेंशियल इंक्रीज होगी, क्योंकि जिस सेक्टर से अगर आपको इनकम ही ड्राइव नहीं हो रही तो इस सेक्टर को आप डेवलप कैसे कर सकते हो। ये भी तो एक कमर्शियल फॉर्म है ना, बिजनेस फॉर्म है, और बिजनेस, हर बिजनेस का फंडा यही है कि जिस एक्टिविटी से या जिस बिजनेस अविगे से वैकेंसी, जो एक्टिविटीज हम कह सकते हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो अगर आप जब तक उसमें पैसा नहीं लगाओगे तो आपका बिजनेस एक अलग लेवल पर नहीं जाएगा, आप उसको एक अलग वैकेंसी लेवल तक नहीं ले जा सकते, आप उसमें ग्रोथ नहीं जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो सेम हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्म फील्ड्स है, उसमें भी यही है कि उनके लिए वो कमाई का जरिया, उनके लिए वो उनका बिजनेस है। तो अगर उसकी कंडीशन को, उनके बिजनेस की कंडीशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको उनकी इनकम पोटेंशियल पर काम करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मेजर वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट के एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और इंटरमीडियरीज। हालांकि हम जमींदारी सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जमींदारी सिस्टम अभी भी फुली बेसिस पर एवोल्यूशन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एरियाज आज भी हैं जहाँ पर जमींदारी सिस्टम है, जहाँ पर जो जमींदार हैं वो अपनी पार का काफ़ी मिसयूज़ करते हैं, जो टिलर्स ऑफ सॉइल हैं उनको अलग अलग बेसिस पर एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर जो लोग इनकी ज़मीन पे काम कर रहे हैं रेंट नहीं दे पाए, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, अच्छा चलो तुम्हें क्या है रेंट नहीं दे पा रहे, क्या करना पड़ेगा, उस पर आपको ब्याज लगा कर देनी पड़ेगी अगले टाइम पीरियड पर। फिर क्या है कि आप फिर भी नहीं दे पा रहे तो और आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करी जा रही है, फिर आप जो ज़मीन आपने एक टाइप से लीज बेसिस पर ली उस पर भी काम करना पड़े, फिर शर्त रख दी कि हमारे और खेतों में भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, आप मजबूर हो, मतलब जो फार्मर्स हैं मजबूर हैं ऐसे करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे हद तक एबोलिश नहीं हुआ है, बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां पर आज भी ये जमींदारी सिस्टम प्रिवेल करता है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने और क्या चेंज करा, सो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ लैंड सीलिंग का, लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। अब लैंड सीलिंग क्या है, देखिए जनरली क्या था, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है। तो ये क्यों है, ये क्यों है, जो मतलब ये इसलिए है क्योंकि हर किसी के पास सेम काम नहीं है, सेम वीकेंड से स्टेटस का काम नहीं है, या और उसी के लिहाज से उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी सेम नहीं है। तो और वो इसलिए वैरी कर रहा है स्टेटस ऑफ जॉब, क्योंकि हर किसी के पास सेम लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, सेम लेवल ऑफ स्किल्स नहीं है, तो बहुत सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं इसके पीछे। बट जब हम इसके रिगार्डिंग एक मेन फैक्टर पर गौर करें तो जो इनइक्वालिटी है उसकी वजह ये भी है कि लोगों को, मतलब हर किसी को इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। दैट्स वाई कि हम डिफरेंसेस देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल में क्या कि इसकी वजह यह है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। सेम लैंड के कॉन्सेप्ट में भी एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोग क्यों बैकवर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के पास, हर किसान के पास प्रॉपर एरिया ऑफ लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए। जो बड़े मतलब जमींदार क्यों ऐसा वो करें, क्योंकि उनके पास बहुत ज़मीन है, उनके पास एक्सेसिव फॉर्म ऑफ लैंड है जहां वो खुद उस पर काम नहीं करते, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा जनरली वो सोचते हैं कि जनरेशन बाई जनरेशन उसे खा सकती हैं, ठीक है, मतलब क्या है जो उनके आगे आने वाली जनरेशन भी है वो क्या करेंगे, बैठे बैठे खाएंगे, जमीन आप लीज बेसिस पर दे रहे हो, उससे किराया ही इतना आ रहा है, आप उससे जनरली कहें। और कुछ ऐसा भी होता है कि एग्रीमेंट हो जाता है कि कुछ क्रॉप कल्टीवेशन का भी आप पोर्शन लोगे, को जो भी फसल होगी वो भी आप लोगे, और फिर पैसे भी आप लोगे, वो एग्रीमेंट पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जनरली क्या है कि जो लोग जमींदार हैं जिनके पास एक्सेसिव लैंड है तो इसी वजह से तो वो अपने पार का, क्योंकि उनके पास पार आ गई तो फिर मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है,
जिन लोगों के पास बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड है तो वो उस पर कुछ नहीं कर सकते, तो मजबूर है कि दूसरे की रेंट रेंटल जो लैंड है उसको रेंटल बेसिस पर या लीज बेसिस पर लेकर काम करें एज अ टेलर ऑफ सॉइल। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड फिक्स कर देना चाहिए कि जो एक इंडिविजुअल कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड जनरली क्या कर सकता है इंडिविजुअली अपने पास रख सकता है, ओन और पजेस कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो जिनके पास बहुत एक्सेसिव है ना, तो उन लोगों की ज़मीन को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, सील कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट उनको सीज कर देगी और फिर ऐसे लोगों पर हम उनको बांट सकते हैं, ऐसे लोगों में उन सरप्लस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जो बिल्कुल लैंडलेस हैं या बहुत ज़्यादा पुअर हैं, पुअर इन द टर्म्स के उनके पास कोई पीस ऑफ लैंड ही नहीं है या बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड है जिस पर वो किसी भी तरीके का क्रॉप को कल्टिवेट नहीं कर सकते। लैंड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई क्या है कि हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर देंगे लैंड के रिस्पेक्ट में जो एक इंडिविजुअल बंदा अपने पास रख सकता है, उससे सरप्लस में है तो उसको सीज करके क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू द पुअर एंड द लैंडलेस फार्मर्स। ओके, इसके अलावा लैंड सीलिंग के अलावा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब कोई भी चीज़ एक सम अप और एग्रीगेट बेसिस पर होना, जैसे CFS बनाते हैं हम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी है डिफरेंट ब्रांचेस अलग अलग ब्रांच का बनेगा, एक जनरल एग्रीगेट फॉर्म में भी पड़ेगा बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो कंसोलिडेट का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो ज़मीन एक 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 ही जगह पर इकट्ठी नहीं है, कि मतलब एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हिस्सा किसी अलग एरिया में है, किसी और अलग गांव में है, ठीक है, कुछ थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने कहीं और दूर ले रखी है। तो लोगों के पास मतलब ज़मीनें हैं लेकिन वो एक एक प्लेस पर नहीं है, एक जगह नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो अलग अलग जगह जाकर क्या करें, कल्टीवेशन करें, और जगह नहीं क्या है, बहुत मेहनत बढ़ जाएगी और ये कारगर भी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का कॉन्सेप्ट निकाला कि जहाँ पर ऐसे लोग जिनके पास पीस ऑफ लैंड तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीकेंड से डाइवर्टेड फॉर्म में है, ठीक है, अलग अलग जगह है, तो उसको इकट्ठा करें। मतलब गवर्नमेंट क्या है, उनके अलग अलग हिस्सों में जो ज़मीन है उनको खरीद कर एक उसी के बेस पर अमाउंट देगी जिससे वो एक जगह एक एप्रोप्रिएट वीकेंसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, एक सही अमाउंट में, एक सही कैपेसिटी में वो जमीन खरीद सकते हैं जहां पर वो कल्टीवेशन कर सके, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और हो सकता है कि जहां आपकी जमीन है, ठीक है, दूसरे एरियाज में वहां की जो कंडीशन है वो आपकी क्रॉप के अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। तो कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट लाया कि अलग अलग जो डाइवर्टेड फॉर्म में लैंड के पीसेज हैं लोगों के पास, फार्मर्स के पास, उनको जनरली बेचकर गवर्नमेंट उसके लिहाज से उस मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा देगी जहाँ पर क्या कर सकते हैं फार्मर्स एक प्रॉपर प्लेस पर इकट्ठी ज़मीन खरीद कर अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते हैं। ओके, तो ये थे लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड स्टेप्स जो हमारी सरकार ने लिए इन ऑर्डर टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए। ओके, इसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं सेकेंडली है ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ लैंड कॉन्सेप्ट या लैंड जो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट सिस्टम जो चल रहा था या लैंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसकी वजह से ही हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था। इनके अलावा टेक्निकल बैकवर्डनेस वाज आल्सो द मेजर रीज़न जो हमारे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के पीछे था। तो अब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस जो वी कैन से ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी उस पर भी काम करा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक हरित क्रांति के नाम से बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसको हरित क्रांति का नाम दिया जाता है, जो टेक्निकल इनोवेशन या टेक्निकल अपग्रेडेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर लेकर आया, स्पेशली मतलब मेनली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टूडेंट, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो सबसे पहली बात ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इस पर हम बात करेंगे, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें आई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में किसकी बात आई, HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यील्डिंग का मतलब है आउटपुट, मतलब जो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो ऐसे बीज जनरली आए, वैरायटी ऑफ सीड्स आई जिससे हम प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो पहले नहीं था। तो HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट आया, फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मशीनरीज एंड सो ऑन, ठीक है। तो
पहले ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी कि जब चाहे हम फसल को पानी दे सकते हैं। वी मेनली डिपेंड ऑन मॉनसून एंड वी कैन से वेदर पर डिपेंड थे। तो ये चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की डीग्रोथ का रीज़न थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कि टेक्निकल एक इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन आया एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, मशीनरीज, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हमारे लिए एक उपहार थी, ठीक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक हमें रूट प्रोवाइड करा ग्रीन रेवोल्यूशन से, एक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का अपना एक एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को, क्योंकि एक्चुअल में हमारी कंट्री के अंदर दो फेजेज में क्या करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो इसको दो फेजेज के अंदर डिवाइड करा जाता है। 1960 और 1970 का एक फेज था, जो शुरुआती वैसे फेज जब स्टार्टिंग हुई थी कॉन्सेप्ट की, तो वो टाइम पीरियड था 1966 का, ठीक है। थर्ड फाइव ईयर प्लान के दौरान इसको क्या करा गया था, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करा गया था, और वो टाइम पीरियड मिड 1960 to 1970 का है। पहला फेज हमारा, ये हमारा फर्स्ट फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन का। सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में हमारा मिड 1970 to 1998 का टाइम पीरियड जाता है, ये हमारा सेकेंड फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि मेनली जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो दो फेजेस के अंदर कंट्री में इम्प्लीमेंट करा गया, तो मैं जैसे कहा ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज भी हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो इसलिए है क्योंकि जब पहले दौर के अंदर, ठीक है, पहले राउंड में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा, मतलब 1960 मिड्स से लेकर 1970s तक, तो ये सिर्फ कुछ ही राज्यों के अंदर, कुछ ही स्टेट्स के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा गया, जो अपने आप में कहीं ना कहीं खुद बहुत ज़्यादा सवाल उठा देता है कि जब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंड है, तो ऐसा क्यों कि कुछ ही राज्यों के अंदर क्या करा गया, इसको इंट्रोड्यूस करा गया। हालांकि पहले ही इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, तो अगर कुछ राज्यों के अंदर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगा रहे हो या लागू करा आपने, तो उससे क्या हुआ, वो स्टेट तो प्रॉपरली क्या हो गए, उनकी ग्रोथ अच्छी हुई, या वो एरियाज़ कहीं ना कहीं डेवलप हो गए, और बाकी एरियाज़ जो पहले ही बेकार थे वो और ज़्यादा मतलब डाउन चले गए। तो ये इस वजह से अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म साबित हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब पहले फेज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट थे जहाँ पर पहले राउंड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा गया, एंड द आंसर विल बी पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, ओके, मतलब इन राज्यों, क्योंकि और इसमें भी ये था कि एक क्रॉप को विगेन से चूज कर लिया, एक क्रॉप को मतलब ये डिटरमाइन कर लिया कि यस इन स्टेट्स के अंदर हम ग्रीन, मतलब यहाँ पर हम पहले HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर्स पहले इन स्टेट्स के अंदर हम जनरली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और ये मेनली हम वीट प्रोडक्शन पर यूज़ करेंगे, वीट एंड राइस। हालांकि वीट पर ज़्यादा, क्योंकि ये मेन स्टेपल क्रॉप है जो मतलब कंज्यूम होती है लार्ज बेसिस पर, तो इस पर हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है वीट के प्रोडक्शन पर और इन राज्यों के अंदर, कि अगर यहाँ मतलब ये टेक्निक कारगर हो गई, तो हम बाकी एरियाज़ के अंदर इनको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सोच थी, लेकिन इससे क्रिटिसाइज काफ़ी करा गया इस कॉन्सेप्ट को। सेकेंड फेज में फिर क्या हुआ, जब इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि, और फिर ये एरिया जो पहले ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, या वीट एंड राइस के प्रोडक्शन के लिए जो कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, नेचुरल सपोर्ट या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, वो इन स्टेट्स के अंदर अवेलेबल थी सही अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, दैट्स व्हाई इसको इंप्लीमेंट करा गया। फिर सेकंड फेज के अंदर ये जनरली रिमेनिंग स्टेट्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट करा गया, वी कैन से ये फिर ओवरऑल बेसिस पर, मतलब पूरे कंट्री के अंदर इसको क्या करा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी था, एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी वो सिर्फ लैंड रिफॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हो सकती थी, इसके लिए हमें टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी चाहिए था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से आया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखते हैं आपने स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी पूछा जाता है किस फाइव ईयर प्लान में आया, देन द आंसर विल बी थर्ड फाइव ईयर प्लान। ग्रीन रेवोल्यूशन थर्ड फाइव ईयर प्लान में आया। एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो वो दौर था 1966 और 1967 का, ये एक टाइम पीरियड है, टाइम रेंज है। लेकिन अगर आपको इसमें से एक चूज करना पड़े, ठीक है, सिर्फ टाइम रेंज नहीं आ रही, देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1966, क्योंकि MCQs आपके यहाँ आते हैं, वन मार्क क्वेश्चन आएंगे, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने रिप्रेजेंट करा, ठीक है, और जो जनरली किसी भी एक मेन काम पर पहला कदम उठाता है या पहले इनिशिएटिव कोई लेता है, तो उसको जनरली उस फील्ड का फादर हम ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है,
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टूडेंट एम एस स्वामीनाथन. एम एस स्वामीनाथन इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, तो ये था हमारे सरकार का एक कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी कि कैसे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ इंश्योर करनी है. इसके लिए ये मेजर्स हमारी सरकार ने लिए एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट. एंड अगर आपको कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है, जैसे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि हम गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान के बाद ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. पहला था हमारा गोल फाइव ईयर प्लान का कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमें ग्रोथ इंश्योर करनी है. तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं और ग्रोथ में सबसे पहले कौन से सेक्टर की? एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब इसके बाद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करेंगे. ओके, सो आई होप आपको टॉपिक ये क्लियर हुआ हो. अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें प्लीज कमेंट जरूर करिए. जब तक आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे. सो वी आर हेयर टू हेल्प यू स्टूडेंट. तो प्लीज आप जितना हमसे हेल्प ले सकते हैं, या आप जनरली क्या फ्री हैं, आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाकर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज.